वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। जैसे किसी भी समारोह में अक्सर बारात को आपने घोड़ा, हाथी या फिर कार से देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के बहराइच में ऐसा निकाह हुआ जहां अपने आप में शख्स बुलडोजर लेकर पहुंच गया। कट्टरपंथियों ने भैया यहां पर मुंह मोड़ लिया। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक ये हो क्या गया। बुलडोजर पर आई इस बारात के हर तरफ चर्चे हो रहे हैं। इस मौके पर बुलडोजर बाबा के नाम के जयकारे भी लगाए गए। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई के कारण बुलडोजर काफी मशहूर हो गया है। इसकी चर्चाएं काफी ज्यादा होती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनोखे निकाह की ये घटना बहराइच जिले की है। जिले के रिसिया ब्लॉक के रहने वाले सलीम की बेटी रुबीना का निकाह सुरासती के जिले में रहने वाले यहाँ पर एक मोहन के बेटे बादशाह के साथ तय हुई थी। निकाह के लिए शनिवार को निकाह के लिए बारात निकली तो आधा दर्जन बुलडोजर बारात में आ गए। वहां पहुंचने के बाद बुलडोजर पर सवार दूल्हे को चारों तरफ घुमाया गया, जिसे देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। इस मौके पर जाहुर खा, छोटन, रमजान, शकरपुर समेत कई लोग बुलडोजर पर सवार दिखे। इन लोगों ने बुलडोजर बाबा की जय के नारे भी लगाए। बरातियों का कहना था कि कार तो सभी के शादियों में आती है, इस कारण से हमने सोचा कुछ नया करते हैं। बरातियों के मुताबिक उन्होंने इसे नया इस्तेमाल और ये काफी मनपसंद भी किया जा रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार अपराधी, माफिया और दंगाइयों के खिलाफ लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। ऐसे में बुलडोजर काफी हिट हो गया है। हाल ही में जुमे के नमाज के बाद दंगा करने वालों के अवैध ठिकानों पर सरकार ने बुलडोजर चलाया था। मीडिया और सोशल मीडिया पर हर जगह उत्तर प्रदेश के सरकार के बुलडोजर की चर्चाएं हैं। और एक बार फिर से बुलडोजर बाबा निकाह में भी पहुंच गया, जिसके बाद उनकी हर तरफ चर्चा होने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अमन, वीके न्यूज़।